हिमाचल के पहले 24 घंटे के डिजिटल टीवी का भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के कर कमलों से। लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला डिजिटल टीवी चैनल। www.lifetimes.tv। जिला ऊना में वीवीआईपी की सुरक्षा राम भरोसे चल रही है। ऊना के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में आगजनी से बचाव के लिए किसी तरह के इंतजाम नहीं किए गए हैं। जिला के अति व्यस्तम लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में 20 के करीब अग्निशमन यंत्र तो लगे हैं, लेकिन उन्हें मात्र शो पीस के लिए ही सजाया गया हो, क्योंकि विश्राम गृह में लगे सभी अग्निशमन यंत्रों की समयावधि समाप्त हो चुकी है। वहीं अग्निशमन यंत्र पूरी तरह से खाली भी हो चुके हैं। अग्निशमन यंत्रों पर लगे मीटर पर नजर डाले तो एक दो यंत्र ही 10-20% तक आग बुझाने वाले पदार्थ शो कर रहे हैं, जबकि ज्यादातर मीटरों पर 0% देखा जा सकता है। वहीं रामपुर में वन विभाग के रेस्ट हाउस में तो केवल एक ही अग्निशमन यंत्र लगाया गया है और उसकी भी समयावधि समाप्त हो चुकी है। अति विशिष्ट लोगों को ठहरने की सुविधा के लिए बनाए गए इस विश्राम गृह में अति विशिष्ट लोगों के साथ साथ आम लोगों की सुरक्षा दांव पर लगी है, लेकिन विश्राम गृह का संचालन करने वाले लोक निर्माण विभाग को इसकी कोई चिंता नहीं है। अगर आगजनी के कारण सर्किट हाउस में अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यह सवाल सर्किट हाउस में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जहन में उठता है और स्थानीय लोग इसे विभाग की बड़ी लापरवाही मानते हैं। हाँ, ये बहुत चिंता का विषय है कि अगर कोई घटना घट जाती है और इनके जो अग्निशमन यंत्र हैं अगर ये मौके पर काम नहीं आते हैं तो कोई भी बड़ी घटना जो है घट सकती है। ये बहुत ही बड़ा एक चिंता का विषय है। इसके लिए प्रशासन को चाहिए कि इनको अगर चेंज किया जाए या फिर इनकी जगह कोई मतलब कुछ और मतलब कि मतलब मंगवाया जाए, जिससे कोई कल कोई घटना होती है तो मौके पर उन चीज़ों को यूज़ किया जा सके कि बड़ी घटना को टाला जा सके। मेरे अभी अभी ध्यान में आया, क्योंकि मेरे जहाँ ज्वाइन करने से पहले भरे थे, वैसे तो जो लोग भर के जाते हैं वो अपने आप एक्सपायरी होने के कुछ दिन पहले ही आके इसको रिफिल कर देते हैं। आपने भी मेरे ध्यान में लाया, मुझे विश्राम कराए वालों ने मेरे ध्यान में लाया। मैंने जहाँ से अब लोकल आदमी हैं हमारे पास, उन बहुत ही जल्दी इसको हम रिफिल करवाने जा रहे हैं। भाई, आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में लाया गया है मामला और बहुत ही चिंताजनक विषय है, तो इसके लिए जो है तुरंत जो है निर्देश दिए जा रहे हैं आपके माध्यम से भी और लिखित माध्यम से भी जो है पीडब्ल्यूडी को और हमारे जो नज़ारत ब्रांच है कि जो इनकी दोबारा जो इनकी रीफिलिंग होती है और जो इनकी एक्सपायरी डेट पे जो दोबारा चेकिंग वेकिंग होती है ये अपना कराएं और इन यंत्रों को ज़रा सुयोजित तरीके से वहाँ रखें। हो गया, आपकी मदद से जो है हमारे संज्ञान में मामला आया और इसमें तुरंत एक्शन हुआ। हालांकि ये रूटीन चेक के काम है और जो वहाँ पर चौकीदार होता है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, वैसे एक वहाँ पर रजिस्टर लगना चाहिए इस काम के लिए। तो सजेशंस काफ़ी अच्छे हैं, इस पर जो है काम करते हैं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।